थाना कोतवाली देहात पुलिस ने नाजायज चाकू सहित एक अभियुक्त को पारसपुरम कॉलोनी से किया गिरफ्तार। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना कोतवाली देहात पुलिस ने एक शातिर अभियुक्त सूरज को पारसपुरम कॉलोनी से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से पुलिस ने एक चाकू बरामद किया है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक जगवीर सिंह, कांस्टेबल अरुण कुमार मौजूद रहे। थाना सदर बाजार पुलिस ने शातिर वाहन चोर को ग्राम जंदेहड़ी मिनी बाईपास पर चौराहे से किया गिरफ्तार। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना सदर बाजार पुलिस ने एक शातिर वाहन चोर सैफी कुरैशी उर्फ गुंगा को ग्राम जंदेहड़ी मिनी बाईपास पर चौराहे से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से पुलिस ने एक मोटरसाइकिल बरामद की है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक अभिषेक चौरसिया, हेड कांस्टेबल नितिन तोमर मौजूद रहे। दिल्ली रोड स्थित भाजपा कार्यालय पर उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा सदस्यता अभियान को लेकर किया गया प्रेस वार्ता का आयोजन। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि 2024 भाजपा का संगठन वर्ष है, जिसके लिए सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि भाजपा ने सबसे पहले डिजिटल सदस्यता अभियान 2014-15 है, 2017 है, 2019 में किया था। 2015 से 2022 तक उत्तर प्रदेश में 3.03 करोड़ लोग भाजपा के सदस्य बने, 1.83 करोड़ सदस्यों का वेरिफिकेशन भी किया गया था। ऑनलाइन सदस्यता के लिए इस बार सभी को 8800002024 पर मिस्ड कॉल देना है। थाना कुतुबशहर पुलिस ने बंद घरों में चोरी करने वाले दो शातिर चोरों को दबनीवाला कब्रिस्तान से किया गिरफ्तार की कार्रवाई। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना कुतुबशहर पुलिस ने बंद घरों में चोरी करने वाले दो शातिर चोर मोबीन व नफीस उर्फ मोनू को दबनीवाला कब्रिस्तान से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिनके कब्जे से पुलिस ने पीली एवं सफेद धातु के आभूषण, 1,60,000 रुपये नकद बरामद किए हैं। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए दोनों अभियुक्त गणों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक सुनील नागर, उप निरीक्षक अजब सिंह मौजूद रहे। जीआरपी व आरपीएफ पुलिस टीम ने न्यू जलपाईगुड़ी क्लोन सुपरफास्ट एक्सप्रेस के कोच से अवैध शराब की बरामद, दो अभियुक्त गिरफ्तार। आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक रेलवे अनुभाग मुरादाबाद आशुतोष शुक्ल के निर्देशन में जीआरपी पुलिस एवं आरपीएफ पुलिस अवैध शराब तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना जीआरपी एवं आरपीएफ पुलिस टीम ने सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर खड़ी न्यू जलपाईगुड़ी क्लोन सुपरफास्ट एक्सप्रेस के कोच से दो अभियुक्तगण जुरावर सिंह, प्रदुम शाह को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 6 पेटी अवैध शराब बरामद की है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए दोनों अभियुक्त गणों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक सुमित नागर, हेड कांस्टेबल विश्वास कुमार मौजूद रहे। दिल्ली रोड स्थित विकास भवन सभागार में आयोजित हुआ शिक्षक सम्मान समारोह शिक्षकों को किया गया सम्मानित। आपको बता दें, बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन दिल्ली रोड स्थित विकास भवन सभागार में किया गया। शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं के द्वारा समाज के निर्माण में शिक्षकों के योगदान की सराहना की गई। शिक्षक सम्मान समारोह में अतिथियों के द्वारा शिक्षकों को सम्मानित किया गया, जिसको लेकर संबंधित जानकारी दी गई। जी सर, आज ये क्या कार्यक्रम है? आज ये बेसिक शिक्षा अधिकारी मैडम के द्वारा शिक्षकों को सम्मानित करने का एक अनूठी पहल के रूप में शिक्षक दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बीएसए महोदया द्वारा जनपद के विभिन्न ब्लॉक से शिक्षकों से आवेदन प्राप्त किए गए। वो आवेदन एक मानक पर उनका परीक्षण किया गया। परीक्षण उपरांत उनको यहाँ सभागार में आमंत्रित करके उनको सम्मानित किया गया। ये एक बहुत अच्छी पहल मैडम के द्वारा की गई। शिक्षक सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा वर्क करके, काम करके भी वो प्रकाश में नहीं आ पाते हैं, लेकिन उनको वो एक्सपोजर या वो प्लेटफॉर्म स्टेज नहीं मिल पाता जहाँ से वो अपनी प्रतिभा, अपने हुनर का और ज़्यादा प्रयोग कर सकें, अपनी मेहनत से वो स्कूलों में और ज़्यादा मेहनत कर सकें और ज़्यादा शिक्षा विभाग को गौरवान्वित करने के
अवसर प्रदान करें, इसके लिए बहुत जरूरी था कि उनको इस तरह से सम्मानित किया जाना। आज वो यहाँ सम्मानित हुए हैं, तो निश्चित रूप से अपने अपने क्षेत्रों में, विद्यालयों में, ब्लॉक्स में जाकर के और भी ज़्यादा अच्छा काम करेंगे, जिससे शिक्षा विभाग आने वाले समय में और अच्छे तरीके से अपने सभी कार्यों को, शिक्षण कार्यों को कर सकेगा। हमारे विभाग के सभी शिक्षकों के लिए आज सम्मान का दिन है, जहाँ पर हम लोगों ने एक क्राइटेरिया फिक्स करके शिक्षकों को चयनित किया है, जिनका सम्मान समारोह का आज हम लोगों ने आयोजन किया। ऐसे लगभग कितने शिक्षकों का सम्मान किया? लगभग 30 शिक्षकों का सम्मान किया। आगे भी हम लोग जो टीचर्स अच्छा काम करेंगे उनको भी बीच में चिन्हित करके हम सम्मानित करेंगे। कलेक्ट्रेट में महिला आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ ने प्री प्राइमरी एजुकेटेड आउटसोर्सिंग भर्ती के विरोध में किया प्रदर्शन। आपको बता दें, जिलाध्यक्ष सुले लता पवार के नेतृत्व में महिला आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ की सभी आंगनवाड़ी कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर एकत्रित हुई। महिला आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ ने प्री प्राइमरी एजुकेटेड आउटसोर्सिंग भर्ती के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। संबंधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया और मांग की गई कि उनके मानदेय को बढ़ाया जाए, नहीं तो वे आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगी। मेरा नाम सुलेलता पवार है, मैं महिला आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ की जिला अध्यक्ष हूँ सहारनपुर से। आप लगातार एक बार पहले भी ज्ञापन दे चुके हैं और आज आप दूसरी बार धरने पर से उठ के यहाँ पर आई हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई देखने को नहीं मिली है आपकी, क्या कहेंगे उस बारे में? इस बार हम ये कहेंगे कि जो 30 साल हो गया आंगनवाड़ी, 25 साल हो गया आंगनवाड़ी इस कार्य पर कार्य कर रही हैं, और केवल अपने ही विभाग का नहीं कर रही, अन्य विभागों का भी काम करके दे रही हैं। इनके समय सीमा भी कुछ नहीं है, ये अपना केंद्र समाप्त करके समय पूरा करके घर जाते हैं, तो घर भी इनसे काम लिया जाता है। कभी सुपरवाइजर फ़ोन करके कहते हैं कि ये रिपोर्ट दो, कभी CDPO कहते हैं कि ये रिपोर्ट दो, इनका समय भी निर्धारित नहीं है। उसके बावजूद भी आंगनवाड़ियों की तरफ को सरकार नहीं देख रही है, बार बार धरना करते हैं, बार बार आवाज़ उठाते हैं, अपना धरना प्रदर्शन भी करते हैं, और अब सरकार इतना बेईमानी काम कर रही है कि हमारी आंगनवाड़ी MA BA BSc BEd BTC सभी एजुकेशन वाली इसमें काम कर रही हैं, क्योंकि बेरोजगारी इतनी है कि 4,000 रुपये पाकर ही आंगनवाड़ी संतोष करती हैं, क्योंकि घर रहकर भी अपने बच्चों को कैसे पढ़ा लिखा सकती हैं इसलिए। लेकिन हमारे जो आंगनवाड़ी केंद्र पर योगी सरकार जी ने एक और पद की नियुक्त किया है, एजुकेटर, ECC एजुकेटर, इसकी अब भर्ती होने वाली है, तो हम इस बात की मांग उठाते हैं कि जब आंगनवाड़ी इस काम के लिए सक्षम है, और इनको एक साल से प्री प्राइमरी स्कूल का प्रशिक्षण भी दिलाया गया है, वो प्रशिक्षण किस लिए दिलाया गया है तब इनकी नियुक्ति नहीं होती। अगर इनको एक्स्ट्रा मानदेय देने के लिए 10,000 रुपये मिलते हैं होते हैं, तो आंगनवाड़ी को देने के लिए इनके पास क्यों नहीं कुछ भी है? एक 1200 की जनसंख्या पर एक आंगनवाड़ी है, लेकिन हम हर घर घर जाकर गर्भवती से लेकर पूरी शिक्षा तक बच्चों का देख रेख करते हैं, वजन निकालते हैं और सब काम करके देते हैं, उसके बावजूद भी आंगनवाड़ियों का मानदेय अब तक 70 साल में 4,500 रुपये सरकार UP सरकार दे रही है और 1,500 रुपये केंद्र सरकार दे रही है। आंगनवाड़ी महिलाएं हैं, इनका एक टाइम और सीमा बांधी गई है समय अनुसार, लेकिन उसके बाद भी जो आप बता रहे हैं कि काम लेते हैं, तो वो महिलाएं उसमें आगे जाके काम क्यों करती हैं जब उनका एक समय सीमा बांधा गया है? उसमें ये कहती हैं कि सुपरवाइजर भी ये धमकी देती हैं कि तुम सेवा हो, तुम्हारी सेवा है, तुम्हारी नौकरी नहीं है, तुम्हारी समाज सेविका हो, तुम समाज सेवा करनी है, हमें इस काम की अभी जरूरत है, तो आप अभी इसकी रिपोर्ट दो, जैसे कि बच्चों का वजन लेना, बच्चों के इस्तीफा दे दो। हम तो मैं निरस्त कहने का मतलब ये है कि आंगनवाड़ी जो महिलाएं हैं उनकी 24 घंटे की ड्यूटी बांध दी गई है, कोई उनका समय सीमा जो थी वो खत्म कर दी गई है। जी कोई सीमा नहीं है। दो दिन से लगातार धरने पे हैं और ज्ञापन भी एक बार दे चुके हैं, आगे भी जैसे आप बता रहे हैं अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो क्या आपका धरना इसी तरीके से चला रहेगा या ऐसे चलता रहेगा? देखो, हम तब योगी सरकार आई थी, सभी आंगनवाड़ी के अंदर इतना हर्ष उत्सव जागा था कि योगी जी सरकार हमारा कुछ करेगी। हमने इतनी मेहनत से गांव में घर घर सर्वे जाकर योगी सरकार को वोट दिलवाई, योगी राज्य पर बैठाए और 5 साल तक इंतजार करते रहे, लेकिन योगी जी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। दूसरी योजना में भी योगी सरकार जी आई, तब भी कुछ नहीं किया, लेकिन अब आंगनवाड़ी भी इतनी निराश हो गई हैं कि अब की बार
योगी जी को 100% हराने का काम आंगनवाड़ी मैंने करेंगी, क्योंकि आंगनवाड़ी को कोई भी आशा की किरण नहीं दिखते अपने भविष्य के लिए। ज्ञापन देने आ रहे हैं क्या आपके ज्ञापन यहाँ से योगी जी तक पहुँच रहे हैं या नहीं पहुँच रहे हैं, या आप खुद लखनऊ के लिए कुछ करेंगी सारी महिला? हाँ, अगर ये अगर हमारी मांग ये सितंबर तक अगर ये नियुक्ति वापस नहीं ली गई तो आंगनवाड़ी पूरी यूपी की आंगनवाड़ी सड़कों पर आएंगी और अनशन भी करेंगी और काम बंद कलम बंद हड़ताल भी करेंगी और वोटों के बिल्कुल खिलाफ चलेंगे। योगी की वोट अब की साल नहीं दिलवाने देंगे। इसके बावजूद इसका जवाब हम वोटों से देंगे और सभी केंद्र बंद रहेंगे। अब के बार योगी सरकार का जो है चक्कर नहीं चलने वाला। जनमंच सभागार में आयोजित हुआ माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय का द्वितीय दीक्षांत समारोह पहुंची राज्यपाल। आपको बता दें माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय के द्वारा अपना द्वितीय दीक्षांत समारोह जनमंच सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंची। राज्यपाल द्वारा उपाधियों को डिजी लॉकर में प्रविष्टीकरण भी किया गया, जिसके बाद सर्वोच्च अंक प्राप्तकर्ता विद्यार्थियों को पुरस्कार वितरित किए गए। इस दौरान प्रथम पंक्ति में कुर्सी न मिलने को लेकर नगर विधायक राजीव गुंबर, गंगोह विधायक कीरत चौधरी, रामपुर मनिहारान विधायक देवेंद्र निम नाराज होकर कार्यक्रम छोड़कर चले गए। उन्नति मैं गांव पुजना और गोचर महाविद्यालय रामपुर मनिहारन से मैंने अपनी बीएससी एमएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में कम्प्लीट की है। आज राज्यपाल द्वारा ये दो मेडल दिए गए हैं एमएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में मैंने प्राप्त किए हैं और इसका श्रेय मैं अपने सभी टीचर्स को गोचर महाविद्यालय के और अपने पेरेंट्स को देना चाहती हूँ। मुझे ये मतलब सब कुछ मेरे साथ फर्स्ट टाइम हो रहा है। फर्स्ट टाइम मैंने दो गोल्ड मेडल प्राप्त किया है तो मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं आगे अपनी पढ़ाई को ऐसे ही कंटिन्यू करना चाहूंगी। मेरा लक्ष्य है प्रोफेसर बनने का है, मैं पीएचडी करना चाहती हूँ। आज माँ शाकुंभरी जी विश्वविद्यालय सहारनपुर का कल ओकेशन था यानी दीक्षांत समारोह और दूसरा दीक्षांत समारोह था जिसमें जो उपाधि प्राप्त बच्चे थे उनको उपाधि दी गई, जिन्होंने मेडल्स प्राप्त किए उन्हें मेडल्स दिए गए और एक अपने शैशव काल में यानी अभी 3 साल ही है मात्र इस विश्वविद्यालय को एक उपलब्धि यहाँ हासिल की है। इसके लिए जहाँ एक और वहाँ का स्टाफ कुलपति इस सब बधाई के पात्र है, वही दूसरे छात्र छात्राओं को जिन्होंने मेहनत का एक मुकाम हासिल किया है वो दूसरों के लिए प्रेरणा बने, उनके लिए तो उपलब्धि है ही लेकिन औरों के लिए प्रेरणा बने हैं। हमारी कुलाधिपति माननीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी का भी आशीर्वाद हम सबको मिला, ये एक अच्छा कार्यक्रम हुआ। मंत्री जी एक सवाल ये भी है, आपके भाजपा के 3 विधायक यहाँ से नाराज होकर चले गए कि हमको अगली सीट पर क्यों नहीं बैठाया जा रहा, उनका सेकंड सीट में नाम? मैं बात करूंगा उनसे, मुझे नहीं मालूम ये क्या, लेकिन मैंने तो मंच से देखा है कि सामने नाम था उनका प्रथम से। वो सामने नाम उनके नाराज भी जाहिर होने के बाद में लगाया गया जिला पता करता हूँ रखता है नाराज प्रोटोकॉल में होना चाहिए, एक प्रोटोकॉल होता है, अब यहाँ पर था ही नहीं था क्या प्रोटोकॉल, तो मैं विधायकों से ही बात करूंगा और प्रोटोकॉल का अनुपालन नहीं हुआ है तो इसके बारे में यहाँ के प्रशासन से बात करूंगा। राज्यपाल ने जनता रोड स्थित माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय का किया निरीक्षण, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। आपको बता दें राज्यपाल उत्तर प्रदेश शासन आनंदीबेन पटेल ने माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि शिक्षकों और विद्यार्थियों की सभी आवश्यकताओं को केंद्र में रखते हुए भवनों में सुविधाओं का प्रावधान किया जाए। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय परिसर हरा भरा रहे, भविष्य के दृष्टिगत छात्रों की संख्या बढ़ने पर समुचित सुविधाएं उपलब्ध हों, छात्रावासों में भी सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध रहें, छात्रों के रहने एवं खाने पीने के लिए मेस की उपलब्धता हो, बाथरूम एवं मूलभूत आवश्यकताओं को देखते हुए कार्य को पूर्ण किया जाए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी मनीष बंसल, कुलपति माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय प्रोफेसर हृदय शंकर सिंह, कुल सचिव वीरेंद्र कुमार मौर्य, डॉक्टर राजीव कुमार उपस्थित रहे। राज्यपाल ने की सर्किट हाउस सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक, 3 वर्ष के सभी बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों पर किया जाए पंजीकृत। आपको बता दें राज्यपाल उत्तर प्रदेश शासन आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में सर्किट हाउस सभागार में जनपद के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आहूत की गई। इस अवसर पर जिलाधिकारी मनीष बंसल ने राज्यपाल को कास्ट से निर्मित माँ सरस्वती की प्रतिमा भेंट की।
आनंदीबेन पटेल ने कहा कि सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी तथा निर्माण कार्य योजनाओं का रैंडमली एवं औचक निरीक्षण किया जाए। निरीक्षण के बाद उसकी समीक्षा कर प्राप्त होने वाले बेहतर कार्यों एवं कमियों का बिंदुवार विश्लेषण करें, जिससे योजना का सफल क्रियान्वयन एवं आमजन को लाभ हो सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किए जा रहे कार्यों में सकारात्मक परिणाम अवश्य आना चाहिए। राज्यपाल ने बच्चों में खगोल एवं विज्ञान में किए जा रहे नवाचार के संदर्भ में कहा कि वैज्ञानिक उत्सुकता वाले बच्चों को प्रोत्साहित किया जाए। संसाधनों को पूर्ति के लिए अधिकारी आगे बढ़कर कार्य करें। जनपद में सुनहरा कल पोषण भी पढ़ाई भी अभियान की समीक्षा करते हुए कहा, आंगनवाड़ी केंद्रों में मास्टर ट्रेनर द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के साथ सुपरवाइजरों को भी प्रशिक्षण दिया जाए, साथ ही साथ परीक्षा एवं प्रैक्टिकल के माध्यम से उपलब्धि को भी देखा जाए।